एवरी वन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो हम जा रहे हैं मार्केट में और नेहा घूमने के लिए और कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो अब हम चल पड़े हैं मार्केट के लिए और टाइम हो चुका है 5:10 और क्या बताऊँ मैं बस यही। यहाँ पे यार अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्मी है, मतलब। तो गाइज हम आए हैं 22 की मार्केट और देख सकते हो कितना भीड़ भड़ाका लगा हुआ है यहाँ पे। अब हमने सोचा चलो यार राजू ने कर दिया है, तो आपको वहाँ से कौन सा उठा के डालने चाहिए था। पे एक ग्लास मार्केट में हम खा पी के आ चुके हैं और हमने शॉपिंग भी की है। बाकी हम यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं मैं और नेहा, क्योंकि हमने सोचा कि हम फास्ट रखेंगे। अब पता नहीं हम रख पाते या नहीं, बट देखते हैं क्या होता है। तो हम कीप लेके आए 5-6 कीप। वैसे तो हमने बाहर लगाने थे लेकिन 10:30 हो गए तो वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगी थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद ही लगाते हैं। तो नेहा मेरे को लगाएगी, देखते हैं कैसी मेहंदी लगती है। वैसे यार मुझे तो देखो बहुत ज़्यादा शौक है सजने का और मेहंदी लगवाने का, तो मैं तो अपने शौक़ पूरे कर रही हूँ। बाकी आप सब बताना कि किस किस को मेहंदी पसंद है, सजना संवरना। वैसे लड़कियों को मैक्सिमम को पसंद होता है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा है। बाकी यार नेहा ने बहुत अच्छे से लगाई है, बहुत मेहनत। सुपर्ब, फाइनली इट्स माय टाइम। और अभी टाइम क्या हो गया है गाइस, 2:39। वाह यार कितनी अच्छी मेहंदी लगा रही हो तुम, 2:39। तो टाइम हो चुका है 2:39 और मेरी मेहंदी लगा दी है नेहा ने दोनों हाथों पे। थैंक यू सो मच नेहा, तो अब इसको शगुन भी देना पड़ेगा। और बाकी मैं रख रही हूँ व्रत फास्ट, क्योंकि बस वैसे रख रही हूँ, मेरा मन है। तो मैं चांद को देख के पूजा करूँगी और चांद के लिए ही व्रत है। और सजने संवरने का वैसे मुझे बहुत शौक है, तो बस वैसे ही रख रही हूँ ये व्रत। बाकी अभी सरगी भी खानी होती है 3:30-4, तो सरगी भी खाऊंगी, पर अभी थोड़ी देर सोती हूँ पहले, उसके बाद खाऊंगी। पीछे दिखा था, देखो नेहा की मेहंदी लग चुकी है और ये सामान सब रख दिया निकाल के, वो वहाँ पे है मंदिर। देखिए अब मैं नहाने जा रही हूँ और टाइम देख सकते हो आप, अभी 3:30 हो गए। मैंने सेमियाँ बना दी है, देखिए क्योंकि कुछ मीठा बनाना होता है तो बना दिए। बाकी अभी मैं नहा के आती हूँ, बाय बाय। तो मैं आ चुकी हूँ नहा के और मैंने पूरा सेटअप कर दिया है। टाइम अभी हो चुका है 4:00, देखो। और ये पूरा पूजा का सामान रखा है यहाँ पे, तो अभी मुझे करनी है पूजा और नेहा भी थोड़ी देर में नहाएगी। नेहा ने खुद ही अपनी मेहंदी लगाई है। तो मेरी पूजा हो चुकी है डन और नेहा भी अब पूजा करेगी। नेहा भी नहा चुकी है तो हम दोनों ने जो है पूजा कर ली है। तो गाइस इसको भूख लगी है, मैं भी खा लेती हूँ और इसके साथ साथ पानी भी पी लेते हैं ना, क्योंकि इसके बाद हम नहीं पी सकते हैं। और हम ये व्रत रख रहे हैं हम दोनों चंदा मामा के लिए, है ना नेहा? अच्छे पति दे, अच्छे पति दे। ऐसा नहीं है यार, बस हमारा मन था तो हमने रख दिया। पड़ोस में दीदी है एक, तो उन्होंने भी रखा है और हमने भी रख दिया। मतलब मैंने तो पहले ही मन बनाया था कि मैं इस बार रखूँगी। बाकी हम देखते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी शादी के बाद, बाकी देखते हैं गड़बड़ा ना जाए हमारे व्रत की, क्या होता है क्या पता खाना खा ले या क्या है, बट पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो भाई हम अपना ये एंजॉय करते हैं, पानी पीते हैं, क्योंकि 4:00 सिर्फ 4:30 तक ये खा सकते हैं पानी पीते। बहन बहुत अच्छी मेहंदी लग रही है, बहुत अच्छी दिख रही है। थैंक यू नेहा की वही मेहंदी रंग लाई। The next day. एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हुआ है 11:00 और मेरी नींद अभी जाके खुली है। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है आगे। पूजा पाठ तो सुबह ही करती थी, वो मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया था। बाहर कितनी अच्छी लग रही है, साइड में दिखाती हूँ। तो अब आ रही है नेल पेंट की, अपना कुछ नेल आर्ट मैं यहाँ पे करूँगी अपने नेल्स पे, देखते हैं वो सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो मैं पहले कर लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ, तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। कलाकारी ये देखिए, नेल पेंट कितने अच्छे से लगाया है मैंने, मुझे तो अच्छा लग रहा है यार। दूसरे हाथों में भी दिखाती हूँ,
तो अब रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले जो है मैं अपना आई मेकअप कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना पूरा फेस का मेकअप करूँगी। तो देखिए कैसा लग रहा है मेरा आई मेकअप, मैच कर रहा है ना। वैसे तो मुझे कोई बहुत अच्छा मेकअप करना नहीं आता है, बट थोड़ा बहुत जितना आता। तो ये रही मेरी पूरी लुक और मुझे ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये रही मेरी साड़ी, क्यूट क्यूट सी साड़ी जो मुझे किट्टू और साक्षी ने बर्थडे गिफ्ट किया था मेरे को। ये साड़ी तो मेरे को तो यार बहुत पसंद आया ये। और नेहा भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है और बहुत ही प्रिटी लग रही है नेहा, देख सकते हो आप। नेहा ने भी खुद का मेकअप खुद ही किया है, अपने बाल इसने कर्ल किए हैं और साथ के साथ में खाना। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाड़मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना और मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि इसके बाद मुझे पहनना है सूट, जब मुझे करनी है चांद की पूजा और चंदा मामा पता नहीं कब तक आएंगे, मेरा मेकअप भी धुल ही रहा है। बाकी नेहा को भेजा है मैंने अभी पनीर लेने के लिए क्योंकि नेहा बोले कि उसको खाना है शाही पनीर, तो उसके लिए और अपने लिए शाही पनीर बनाऊंगी। बाकी सब्जी ही मेरी बनने वाली है। आटा मैंने गूंद दिया है, चावल भी मैंने भिगोने के लिए रख दिए हैं, तो बस फटाफट से ये काम हो जाएगा। और टाइम होने वाला है अभी ही, देख सकते हो 7 बजने वाले। बाकी देखते चंदा मामा कब तक आते हैं, तब तक मैं अपना खाना बना लेती हूँ। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मैंने सूट पहन लिया है और पूजा की प्लेट भी हमने जो है अच्छे से सजा दी है। तो अब चलते हैं ऊपर टेरेस पे। तो हमने फटाफट से वीडियो बनाई थोड़ी बहुत ही क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ गए थे छत पे, और हमने फटाफट से अपना व्रत खोला और नीचे आ गए। अब खाने पे टूट चुके हैं और इसके बाद हम गए एक हमारे आंटी हैं उनके घर पे, उनकी जो सोसाइटी है वहाँ पे जो है बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ था पार्टी का, तो उन्होंने हमें बुलाया था। खाना तो हमने खा लिया था बट वैसे थोड़ी देर के लिए चले गए थे हम क्योंकि यहीं थोड़ा सा आगे को रहते हैं, तो बस हम भी थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, डांस वांस कर लेते हैं। तो मैं भी डांस करने लगी थी, कहीं गाने बज रहे थे और मैं ना नाचूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आंटी ने बहुत जिद की और मेरा मन भी था तो मैं भी नाच ली थोड़ी बहुत।